मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के राजीव गांधी मार्केट में लगातार कई दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, मगर आज एक चोर को मार्केट में पकड़ लिया गया। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 5 से 6 दिनों में प्याज, आलू और ऐसे अन्य सब्जियों की चोरी लगातार हो रही थी। इसी तरह से आज रात में भी चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद आज दुकानदारों ने एक युवक को पकड़ लिया। उससे जब पूछताछ की गई तो वो बात को घुमाने लगा, इसके बाद इसे काफी देर तक बिठा कर रखा गया। हालांकि इस दौरान जिस युवक पर चोरी का इल्जाम लग रहा है वो बार बार कह रहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। इसकी जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन को दी गई, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। बाप का नाम क्या? चोरी किए थे तुमने? नहीं किया, नहीं था मैंने। ये लोग तो बोल रहे हैं कि चोरी किया। एक ने लाके बेचा है। क्या बेचा है? तो यहाँ से जिसने भी चोरी किया है ना, उसने मुझे 2500 रुपए में माल लाके बेचा है भाई। क्या चीज था वो? वो लहसुन था, अदरक था और टोकरी थी, काटा था। तो तुमने खरीदा था उससे? हाँ, हमने खरीदे थे। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं था, अचानक में मिला था क्योंकि मैं माझीवाड़ा जा रहा था लेने के लिए। अचानक कोई मिला और खरीद लिया। इसके लिए मैंने बोला कि लोग भी देते रहेंगे, इसके लिए मैंने लिया। रात में 1 बजे गया था लेने के लिए माल। कहाँ से लिए थे माल? मैं माल लेने के लिए मुंबई को लेने गया था कि पहुँचा, उसके आगे मिले को मिला वो, तो उसने फटाफट करा के दिला दिया मेरे को भाई। तो ये लोग तो बोल रहे हैं हमारा माल। यहाँ पे से मैं यहाँ पे तो आया ही नहीं हूँ भाई। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।